सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी पृथ्वी शो को भारतीय टीम का एक उभरता हुआ बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बस अब से कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से भारत में क्रिकेट का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा करने के लिए रवाना होने वाली है, जिसको लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा रोमांच है। 3 अगस्त से दोनों ही टीमों के बीच में पहले 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच में 3 मैचों की ODI और फिर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। लेकिन इस दौरे से पहले भारतीय टीम के एक युवा खिलाड़ी के लिए एक बेहद ही दुख की खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि भारतीय टीम के एक शानदार नौजवान व होनहार खिलाड़ी पर सस्पेंशन लग चुका है और वह भी 9 महीने का। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस खिलाड़ी का नाम बताते हैं। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के नए वीरेंद्र सहवाग के नाम से जाने जाने वाले पृथ्वी शॉ है। इस बार के IPL के सीजन में जिस तरीके से पृथ्वी शॉ की धाकड़ बल्लेबाजी देखी गई, वह वाकई में काबिले तारीफ थी। चयनकर्ता चाहते हैं कि पृथ्वी शॉ भारतीय टीम की टेस्ट टीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन लगता है कि मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ले जाया गया था, तब टेस्ट सीरीज के दौरान उनका पैर मुड़ गया था जब वह भारत देश वापस से लौट आए थे, और अब यह बैन लग चुका है जिसके चलते पृथ्वी शॉ अब आगे होने वाली 2 टेस्ट सीरीज का तो हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जो कि उनके करियर पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगी। अलग ही सस्पेंशन की मेन जड़ यह बताई जा रही है कि पृथ्वी शॉ ने डोपिंग टेस्ट को फेल किया, क्योंकि उन्होंने गलती से सर्दी जुकाम लगने के बाद एक ऐसा कफ सिरप पी लिया था जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मौजूद थे जो कि BCCI के चयनकर्ताओं द्वारा डोपिंग टेस्ट के रूल्स के तहत पूरी तरीके से इलीगल माने जाते हैं, जिसके चलते बैक डेट से पृथ्वी शॉ को सस्पेंशन दिया गया है नवंबर के महीने तक। लेकिन एक तरफ जहां पृथ्वी शॉ दोषी पाए गए हैं, तो दूसरी तरफ उनका अपॉलोजी लेटर भी सामने आया। पृथ्वी शॉ ने केवल BCCI के चयनकर्ताओं से ही नहीं बल्कि अपने सभी फैंस से भी माफी मांगी कि उनसे अनजाने में यह भूल हुई, जिसके बाद अब भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि रोहित शर्मा, युवराज सिंह व सुरेश रैना तक पृथ्वी शॉ के समर्थन में उतर आए हैं। सभी खिलाड़ियों ने शॉ का साथ देते हुए अपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। पृथ्वी शॉ का साथ देते हुए उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ बेहद ही उम्दा खिलाड़ी हैं और गलतियां सबसे अनजाने में हो जाती हैं, साथ ही आप तो भारतीय टीम के नौजवान टैलेंट हैं, ऐसे में BCCI के चयनकर्ताओं को आपकी यह गलती तो माफ कर देनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, युवराज सिंह, जिनके पृथ्वी शॉ काफी ज्यादा चहेते खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने भी पृथ्वी का साथ देते हुए कहा कि मुझे दुख है कि अचानक से पृथ्वी शॉ को एक बेकार सी भूल के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। वह एक बेहद ही उम्दा खिलाड़ी है और मुझे यकीन है कि वह जल्द ही साथ मिलने पर भारतीय टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी पृथ्वी शॉ के लिए कामना करी है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ अब बेहद ही उम्दा खिलाड़ी हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आपके करियर में आते रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस करना नहीं छोड़िएगा। साथ ही मुझे लगता है कि अगर युवा खिलाड़ी ऐसी गलती करें तो उन्हें तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यह तो बच्चों के द्वारा करी गई भूल जैसा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, AB डिविलियर्स ने भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का साथ दिया। पृथ्वी ने अपने प्रदर्शन के दम पर पूरे विश्व में नाम कमाया, और ऐसे में AB डिविलियर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे उनकी तारीफ करने में। डिविलियर्स ने कहा कि पृथ्वी शो आपके करियर में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने एक बात जो क्रिकेटर के लिए रखती है, इन उतार चढ़ाव से लड़कर टीम में अपनी जगह को बनाना। मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्द ही भारतीय टीम में खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों, जब भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी तक पृथ्वी शॉ का साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं BCCI के चयनकर्ताओं को भी पृथ्वी शॉ के सस्पेंशन को थोड़ा छोटा तो कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही पृथ्वी शॉ वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज ना खेल पाए, लेकिन जल्दी होने वाली साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज का तो हिस्सा बन पाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या BCCI को पृथ्वी शॉ पर लगे इस बेकार सस्पेंशन को हटाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।